शिव एक ऐसे भगवान हैं जिनका ना कोई आदि है और ना ही अंत, जिनके रूप की कितनी भी व्याख्या करें वो कम है। आज हम आपको शिव के रहस्यों में से कुछ और चीजों के बारे में बताते हैं। शिव अपनी देह पर हस्ती चर्म और व्याघ्र चर्म को धारण करते हैं। हस्ती अर्थात हाथी और व्याघ्र अर्थात शेर। हस्ती अभिमान का और व्याघ्र हिंसा का प्रतीक है। इसका मतलब है कि शिव ने अहंकार और हिंसा दोनों को दबा रखा है। शिव के पास एक धनुष भी है जिसके पिनाक कहा जाता है। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगता था। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। ये धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की 3 नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज को सौंप दिया गया। उल्लेखनीय है कि राजा दक्ष के यज्ञ में यज्ञ का भाग शिव को नहीं देने के कारण भगवान शंकर बहुत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने सभी देवताओं को अपने पिनाक धनुष से नष्ट करने की ठानी। एक टंकार से धरती का वातावरण भयानक हो गया। बड़ी मुश्किल से उनका क्रोध शांत किया गया। तब उन्होंने ये धनुष देवताओं को दे दिया। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को धनुष दे दिया। राजा जनक के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित थी। इस धनुष को भगवान शंकर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान राम ने इसे उठाकर इसकी प्रत्यक्षा चढ़ाई और इसे एक झटके में ही तोड़ दिया। अब आपको बताते हैं शिव के चक्र का रहस्य। चक्र को छोटा लेकिन सबसे अचूक अस्त्र माना जाता था। सभी देवी देवताओं के पास अपने अपने अलग अलग चक्र होते हैं। उन सभी के अलग अलग नाम भी होते हैं। शंकर जी के चक्र का नाम भवरेंद्रु, विष्णु जी के चक्र का नाम कांता चक्र और देवी का चक्र मृत्युमंजरी के नाम से जाना जाता था। सुदर्शन चक्र का नाम भगवान कृष्ण के नाम के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। ये बहुत कम ही लोग जानते हैं कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शंकर ने किया था। प्राचीन और प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार इसका निर्माण भगवान शंकर ने किया। निर्माण के बाद भगवान शिव ने इसे श्री विष्णु को सौंप दिया था। जरूरत पड़ने पर श्री विष्णु ने इसे देवी पार्वती को प्रदान कर दिया। पार्वती ने इसे परशुराम को दे दिया और भगवान कृष्ण को ये सुदर्शन चक्र परशुराम से ही मिला। शिव के रहस्य में आज इतना ही। आगे भी आपको बताएंगे शिव से जुड़े और भी रहस्य।